पहलू खान को मारने 100 लड़के गए थे, एक सुबोध सिंह को मारने 100 लड़के गए थे, दोनों जगह 100-100 लड़के हिंदू लड़के थे। तो ये जो राजनीति है वो हिंदुओं के लड़कों को दंगाई बनाने की राजनीति है। मीडिया को ध्वस्त कर दो और 24 घंटा हिंदू मुसलमान चलाओ, ये रोज रोज टीवी देख के 5 साल से चलेगा, पागल हो जाएगा। तो ये जो राजनीति है वो हिंदुओं के लड़कों को दंगाई बनाने की राजनीति है। अब हिंदू लोग तय कर लें कि वो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं कि दंगाई बनाना चाहते हैं। ये इतनी बाहर क्यों आ रही है? शाहीन बाग में कितनी औरतें बोल रही हैं सर? ये कमाल है। अब अच्छी बात है कि शाहीन बाग की औरतें बोल रही हैं, अब अच्छी बात है कि आप लोग आए हैं, अब अच्छी बात है कि लोग जामिया के लड़के बोल रहे हैं। अब आप देखिए कि 150 से ज्यादा लोगों को लिंच करके मार दिया गया, और इसमें अंकित भी है, इसमें सुबोध कुमार सिंह भी है, इसमें पहलू खान भी है, इसमें मोहसिन भी है, पुणे का जो इंजीनियर था जो अपना खाना खाने निकला था सड़क पे, वो मार दिया गया। तो कोई बोला नहीं, सब डरे बैठे, बोले वही जो तरह तरह से सही बता रहे थे। वो हत्या पे नहीं बोल रहे थे, वो कह रहे थे वो ये खाते हैं, वो ये खाते हैं। अब खाना से शुरू हो गए, वो पहनने पर आ गए, अब शायरी में घुस गए हैं, पता नहीं वो कहाँ कहाँ टहल रहे हैं, उनका एक दूसरा ही ऑर्बिट है। तो वो अच्छी बात नहीं। अब अच्छी बात है कि शाहीन बाग की औरतें बोल रही हैं, अब अच्छी बात है कि आप लोग आए हैं, अब अच्छी बात है कि लोग जामिया के लड़के बोल रहे हैं, लड़कियां भी बोल रही हैं, लड़कियां ज्यादा बोल रही हैं। तो अभी तो हमारे लोकतंत्र में लड़कियों ने बोला नहीं है, ठीक। जब वो बोलना शुरू करेंगी, जब लीडरशिप लेंगी और बोलना शुरू करेंगी, ये वाला लीडरशिप नहीं, व्यवस्था का सवाल को लेकर जब औरतें पूछेंगी ना, तो हमारी आपकी सबकी हालत खराब हो जाएगी। तो इसीलिए हम डरते हैं कि लड़कियां क्यों बाहर आती हैं, हम में सब डरते हैं, मुसलमानों के यहाँ भी डरते हैं, हिंदुओं के यहाँ भी डरते हैं, भी डरते हैं कि लड़कियां इतनी बाहर क्यों आ रही हैं। शाहीन बाग में कितनी औरतें बोल रही हैं सर? ये कमाल है, पर अब आप देखिए कि जैसे बहरे हो गए हैं, होते रहेंगे, पर जरूरी यह है कि आप बोलें, आप बोलने का फर्ज अदा करें। वो नहीं सुनेंगे क्योंकि वो पावर में है, तो नहीं सुनेंगे, वो उनकी आदत है। कोई दिन क्या कुछ बता सकते हैं आप? कब तक उम्मीद है कि बोलेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो सार्वजनिक जीवन होता है ना, उसमें उम्मीद मंजिल नहीं होती, उम्मीद जो है वो आपका हम सफर है, आप उसके सहारे चलिए, आप उसको पाने के लिए नहीं चलते। जब आप चलती हैं तो उसी दौरान आप कई चीजों को नया करती रहती हैं। यही उम्मीद थी और यही काम पूरा हुआ कि एक मोहल्ले की औरतें निकलकर वहां धरने पर बैठी। आपने बीते दिनों में कब सुना कि किसी मोहल्ले की औरतें धरने पर बैठी? ये बहुत अच्छी बात। जब वो इतिहास की बात करते हैं तो आप किताबों के पास जाइए, चेक कीजिए, देखिए कि क्या वो सही बात कहते हैं या उन्होंने ये बात क्यों कही। ये एक अच्छा तरीका है मेरे हिसाब से। कमेंट आ रहा है। तो आप अगर वो विभाजन की बात छेड़ रहे हैं तो हालांकि वो टिकेंगे नहीं, लेकिन जब तक आप पढ़ने लगेंगे, सही बात पूछने लगेंगे, तो वो विभाजन छोड़ के कहीं और चले जाएंगे, तो वो अलग बात है। लेकिन हम सब अब खुद से पूछे कि आपने विभाजन पर कितनी किताबें पढ़ी, क्यों हुआ, कैसे हुआ, उस वक्त के क्या हालात थे, और वो हुआ भी तो हम और आप अब हिसाब नहीं कर सकते। और 47 के समय जब दंगा हुआ, उसमें कोई निर्दोष मजहब के हिसाब से तो कोई मजहब है नहीं है, लेकिन उसी दंगे के बीच में बहुत सारे हिंदू मुसलमानों को बचा रहे थे, बहुत सारे मुसलमान हिंदुओं को बचा रहे थे, बहुत सारे सिख दोनों को बचा रहे थे। वो क्यों बचा रहे थे? क्योंकि उनको पता है कि वो हिंसा का रास्ता सही नहीं था। तो उनका दिमाग सोचिए कि उस वक्त जब लाखों लोग लाशें ही लाशें देख रहे हैं यहाँ पे, और कहीं से कोई किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा था, हम इतना इस हद तक पागल हो सकते हैं, ये हमने साबित किया, ये 70 साल पहले किया, कल मैं शायद 84 में भी किया है, 2002 में भी किया है, हमने साबित किया है तुम्हें कि हमारे अंदर वो क्षमता है। एक घंटा अमित शाह का इंटरव्यू चले जा रहा है, उसमें लगता है कि पत्रकार वही है, और जो पत्रकार है वो लगता है कि वो नेता है, सहमा हुआ है कि भाई हमसे कहीं मंत्री जी कुछ ज्यादा ना पूछ लें, चुपका है, तो जो भी है सबके यहाँ वही है। जब मीडिया का पूरा मानव संसाधन इतना खराब हो जाए और इस तरह से घटा दिया जाए कि 50 रिपोर्टर को हटाकर आप एक एंकर को देख लें,
जैसे आप मुझे खूबी की तरह देखते हैं, पर मैं अपने आप को संकट का एक सैंपल की तरह देखता हूँ। वो एक स्टार एंकर लाया गया, जिम भी जाते हैं और हाँ एंकर लोग जिम भी जाते हैं, पुशअप भी करते हैं, वो पुशअप भी करते हैं और रामदेव को ले आते हैं जो उधर चवनप्राश बेच रहे होते हैं, अचानक मन पर आकर पुशअप करने लगते हैं। आप उसके पहले देखिए तो मीडिया क्या कर रहा है, टीवी चैनल वो खंडहर में इमारतों में जा रहा था, कह रहे थे यहाँ पे भूत हैं, रात में टॉर्च लेके भूत खोज रहा था। उन्होंने ये जब आए तो उन्होंने इतना किया कि उन्होंने कहा कि तुम वो खराब जो काम कर रहे थे वो बंद करके मेरा वाला खराब काम करो, तुम पहले भी तो मीडिया का काम कर नहीं रहे थे ना, ये है उस प्रोसेस में खत्म किया। और मैं आपको एक हिसाब समझाता हूँ, एक पहलू खान को मारने 100 लड़के गए, एक सुबोध सिंह को मारने 100 लड़के गए थे, दोनों जगह 100-100 लड़के हिंदू लड़के थे। तो ये जो राजनीति है वो हिंदुओं के लड़कों को दंगाई बनाने की राजनीति है। अब हिंदू लोग तय कर लें कि वो अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं कि दंगाई बनाना चाहते हैं, तो आप डिसाइड कर लो जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दौर से गुजर रहा है, आपको नहीं लगता कि आपको साहब को एक बार इंटरव्यू में बुलाना चाहिए? नहीं, मैंने कहा था पर वही नहीं आ रहे, तो मैं क्या? देखिए भाई, अब आप देखिए ऐसा है कि मैं प्रधानमंत्री जी का बड़ा आदर करता हूँ, अब मेरा उनके साथ इंटरव्यू के संबंध में मत जुड़िए। जब भी आप जुड़ते हो कभी अक्षय कुमार को ले आते हैं, अब ज्यादा जुड़ेंगे तो राजू श्रीवास्तव से इंटरव्यू कराने, इसलिए आप छोड़ दीजिए, उनकी अपनी मर्जी है, वो मुझे इंटरव्यू नहीं देना चाहते हैं, थैंक यू, पर उनको बड़ा अफसोस होगा। जो मीडिया कल तक 2000 के नोट में जीपीआरएस ढूंढ रहा था, आज वो मुर्दा रहेगी कभी हिंदुस्तान के लिए क्या? देखिए भाई, अब मीडिया ने आपका बड़ा नुकसान किया है। मैं अगर आप हिंदी प्रदेश से हैं जैसे यूपी बिहार है ना, इन्हीं प्रदेशों ने अपने राजनीतिक पूर्वाग्रहों को बायसेस को हर कोई मेरा आम बातचीत में खाते रहेंगे, ये वैसे होते हैं वो वैसे होते हैं, पर एक लिमिट तक आप करोगे ना, फिर अगर उसी को सत्य मान के उसको बड़ा कर दो तो सोचिए कितना खतरा हो जाएगा। आप किसी जिस चीज को दोस्त के हिसाब से मजाक में कह रहे हो आप उसको सीरियस कर देते हो। तो हिंदी प्रदेश में क्या है, अच्छा स्कूल कॉलेज तो किसी को मिला नहीं, मिला भी तो प्राइवेट स्कूलों को पैसे दे देंगे, आपके सारे पैसे चलेगा, मिला कुछ नहीं, वो भी खराब अंग्रेजी मिली, 90% लोगों की अंग्रेजी का टेंस मेरे से भी खराब है, मेरी तो खराब है लेकिन मेरे से भी खराब है। तो उसमें क्या होता है कि भाषा भी आप नहीं सीखे, कुछ नहीं सीख पाया, तो हिंदी प्रदेश लोग हम पे निर्भर थे, मीडिया पे निर्भर थे कि ये लोग हमारा एक तरह से एजुकेशन कर रहे हैं, मतलब समस्याओं के अलावा भी, मतलब चीजें हो रही हैं तो उसको बारीकी से साहस के साथ लिखा जाए, वो बंद हो गया। तो उसका बड़ा नुकसान है हिंदी के नौजवानों को, जो हिंदी के अखबार हैं, मैं तो उनको कहता हूँ फाड़ के फेंक देना चाहिए। फेंक दिया है सर, 2 साल से। आप जी 20-20 साल से उन अखबारों को कैसे पढ़ सकते हैं भाई, जिसमें आपको कुछ नहीं मिल रहा, एक बार आप पलट के तो देखेंगे क्या वो आपको ऐसी जानकारी दे रहा है, क्या उसमें पत्रकारिता है, क्या उसमें जो नॉलेज का स्ट्रक्चर स्कूल कॉलेज ध्वस्त किया गया। आप कहीं चले जाइए, बाराबंकी चले जाइए, मेरे जिले मोतिहारी में चले जाइए, बेतिया में चले जाइए, कहीं ढंग का स्कूल कॉलेज नहीं है, कहीं नहीं है। तो उससे हम लोगों को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन हमें क्षमता बहुत है अच्छा करने का। आप देखिए कि कोई दूसरे शहर में जा रहा है तो रिक्शा चला रहा है तो चलाया ही जा रहा बिना थके हुए, और कोई पढ़ रहा है तो मुरेठा बांध के 10 घंटा तक खींच दिया है कमरे में, इतनी ताकत है। तो इस एनर्जी का इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए, इस एनर्जी का इस्तेमाल आपको अच्छी किताबों तक ले जाने में और अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तक ले जाने में करना चाहिए था, तो वो नहीं करेंगे। तो उनको पता है कि ये कमरे में बैठ के जो नौजवान है पढ़ तो रहा है 20 घंटा, एक दिन इसका दिमाग खराब होगा, पूछेगा कि अच्छा कोई स्कूल कॉलेज होता तो हमको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो उसका ये नुकसान ये हो रहा कि मीडिया को ध्वस्त कर दो और 24 घंटा हिंदू मुसलमान चलाओ, ऐसा क्या हो गया? जाके देख लीजिए किसी मुसलमानों के मोहल्ले में, चले जाइए अगर आपको इतनी नाराजगी है उनसे, पूछा ही जाके भाई आप लोग ऐसे क्यों करते हैं, ये रोज रोज टीवी देख के 5 साल से चलेगा, पागल हो जाएगा, पागल हो